बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत के बीच चल रहे सियासी संघर्ष के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को संगठन ने उपचुनाव की तैयारी की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं पार्टी लाइन से बाहर जाने पर पार्टी संगठन कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। बदनावर में कैलाश विजयवर्गीय के दौरे से तिलमिलाए भंवर सिंह शेखावत ने उन पर जुबानी हमला बोल दिया। कैलाश पर लगे सनसनीखेज आरोपों से प्रदेश की सियासत गर्मा गई, लेकिन अब इन सब के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कैलाश के बचाव में कूद गए हैं। वीडी शर्मा ने दो टूक कह दिया कि प्रदेश संगठन ने कैलाश विजयवर्गीय को मालवा की 5 सीटों की जिम्मेदारी दी है, जबकि बागी राजेश अग्रवाल को पार्टी सहमति के बाद ही शामिल किया गया। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वो देश के अंदर भी और मध्य प्रदेश में भी जहां आवश्यकता है वो संगठन काम के लिए अपनी भूमिका सतत निभाते रहे और निभाते हैं। इसलिए इन 24 विधानसभाओं के उपचुनाव की दृष्टि से हमारी जो संचालन समिति है उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी पूरे इस चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन हम लोगों ने आंतरिक तौर पर विशेष कुछ जिम्मेदारियां उन सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे उस संचालन समिति के सभी सम्मानीय सदस्य हैं, उन्होंने इंटरनल कुछ हमारी जिम्मेदारियां आपस में विभाजित हुई हैं, उसमें माननीय कैलाश जी मालवा की सभी 5 सीटों को फोकस करके वो काम करेंगे। ऐसा संगठन ने उनके साथ तय करके उस काम की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास गंभीरता के साथ कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी उनको भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दी है। जहाँ तक राजेश का सवाल है, राजेश अग्रवाल जी को भी संगठन से तय होकर के कि उनको भारतीय जनता पार्टी में उनने व्यक्त इच्छा व्यक्त की थी कि मैं वापस आना चाहता हूँ, और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। इसलिए जो कुछ भी निर्णय हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर तय हुए हैं, इसलिए किसी के द्वारा प्रश्न खड़ा करना ये ठीक नहीं है। भंवर सिंह शेखावत जी ने जिन बातों को कहने का प्रयास किया है, हम उनसे बात कर रहे हैं, बात करने के बाद फिर आगामी रणनीति के साथ हम तय करेंगे। बिल्कुल, हमने उनको बुलाया है, बुलाने के बाद बात करेंगे, बात करने के बाद हमने पहले उनको भी बुलाया है, एक बार बात करेंगे, बात करने के बाद आगामी क्या होगा वो तय करेंगे। मेरा कैलाश विजयवर्गीय से कोई न 36 है न 33 है, मेरा सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय से ये कहना है कि भाई जो कार्यक्षेत्र आपका नहीं है वहाँ जाके अनावश्यक हस्तक्षेप मत करिए, ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित मत करिए जो पार्टी के अंदर विघटन पैदा कर रहे हैं, पार्टी को हरा रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कोई मेरा कैलाश विजयवर्गीय से लेना देना नहीं। कैलाश विजयवर्गीय तो मैं खुद 1980 में पार्टी में लाया हूँ, और आज भगवान की दया से बहुत अच्छे बड़े नेता हैं, यशस्वी नेता हैं, लेकिन वो जो उनके कार्यकलाप हैं उनसे वहाँ के लोग असंतुष्ट हैं, इतनी सी बात है। ये बात उनके संज्ञान में लाई गई है, ये बात पार्टी संगठन के संज्ञान में लाई गई है, उससे नुकसान पार्टी को ना हो कम से कम इतने संगठन इसकी चिंता कर ले, ये मैं बार बार कहता हूँ। और क्या है, मैं कुछ नहीं कर रहे, मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उसको आर्थिक रूप से पैसे दे दिए, पार्टी को हरा लो, शेखावत जी को हरा दो, और जिसने हराया उसको परसों जाकर के पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे और उसको यहाँ तक कह रहे कि आप तो कैबिनेट मंत्री बन गए, आपने हरा दिया है शेखावत जी को, बहुत अच्छा किया और आप आ गए हो पार्टी के अंदर। जो लोग पार्टी को खड़ा करके अपने खून पसीने से जिंदा रख रहे हैं, जिनने पार्टी को बरसों जिताने के लिए मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उनके सामने आप ये संदेश दे रहे हो कि पार्टी से जो खिलाफत करके चुनाव लड़ा है और जिनने पार्टी को हराया है उसको हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, तब से ये वहाँ जो वातावरण खराब हुआ है वो आगे आने वाले चुनाव में कष्ट तो देगा। हालांकि वीडी शर्मा ने यह भी साफ किया कि भंवर सिंह शेखावत पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मामला घर में सुलझा लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान से स्पष्ट है कि भंवर सिंह को पार्टी तलब कर सकती है, जबकि संगठन कोई कठोर कार्रवाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।